हेलो स्टूडेंट्स, एडो फ्यूचर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्लास नाइन का जो टिश्यू टॉपिक था उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और आज हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यू का। इसके पहले मैंने आपको प्लांट टिश्यू के बारे में बता दिया था। आप देखो, एनिमल टिश्यू में एक टर्म बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एक नाम साइंटिस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको हम लोग जानते हैं बीचेट। इन्होंने ही सबसे पहले एनिमल टिश्यू के बारे में कुछ बताया था। ओके, तो एनिमल टिश्यू आप देखिएगा तो क्या होता है, ये लूजली बॉन्डेड टिश्यू है। प्लांट टिश्यू जो था उसमें सेलुलोज होता था, एनिमल टिश्यू में सेलुलोज नहीं होता। एनिमल टिश्यू जो होता है वो डेलिकेट होता है थोड़ा सा, है ना। ये कैसा टिश्यू होता है, डेलिकेट होता है। ओके, सॉफ्ट टिश्यू है ये कंपेरेटिवली, कुछ कुछ टिश्यू को छोड़ करके, जैसे बोन्स वगैरह जो होते हैं वो सॉफ्ट नहीं होते, लेकिन मोस्टली ये टिश्यू सॉफ्ट ही होता है ना। तो एनिमल टिश्यू को अगर हम लोग देखें तो आप पाओगे कि इसके फोर बेसिक टाइप्स बताए गए हैं। जैसे देखिए, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एक एक करके इन्हीं सारे टिश्यूज़ के बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि डिटेल तो आपको हायर सेक्शन में पढ़ना है। मैंने थोड़ा सा डिटेल आपके लिए किया है। ओके, तो हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू का। अब देखिए, आ गया एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल, एपी मतलब क्या होता है, अबव, और थिलिया मतलब होता है लेयर। एपी मतलब क्या हुआ, अबव, और थिलिया का मतलब क्या हो गया, लेयर। मतलब ये लेयर के ऊपर पाया जाने वाला टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। देखिए, एक्चुअली में ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है ह्यूमन बॉडी में, और क्या करता है, इट कवर्स, ये है ना, कवरिंग करता है, कवरिंग टिश्यू है। मेनी ऑर्गन्स जैसे और कैविटीज, ऑर्गन और कैविटी को कवर करता है, चाहे वो इनसाइड हो या आउटसाइड हो, दोनों तरफ ये कवर करेगा। अगर कैविटी है तो इनसाइड, और अगर ऐसे जनरल जैसे इवन स्किन, स्किन के ऊपर भी आपका क्या है, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। तो एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, माउथ, माउथ का जो इनर लाइनिंग है, किडनी के ट्यूबल्स में, स्किन में देखिए एल्वियोली जो लंग्स के अंदर का ऑर्गन है उसमें पाया जाता है। ये सब जगह एपिथेलियल टिश्यू होता है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये बैरियर के जैसा एक्ट करता है, है ना। कहीं ना कहीं ये बैरियर करता है, सेपरेशन करता है, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज ईच अदर, दोनों सबको अलग अलग करने का। मतलब कहीं ना कहीं इसका काम क्या है, सेपरेशन और लेयरिंग का। और देखो, इसमें नो स्पेसेस, है ना, इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको नहीं मिलेंगे, मतलब कॉम्पैक्ट टिश्यू होता है थोड़ा, और ये परमिएबल सेल का बना हुआ होता है। इसमें जो सेल्स होते हैं ना, एपिथेलियल सेल्स, वो हाईली परमिएबल होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से आप किसी भी सब्सटेंस को इसके थ्रू इंटर करवा सकते हो, या ये सेक्रेशन पर्पस में भी आता है। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम द टिश्यू बीनीथ देम बिकॉज थिन मेम्ब्रेनस ओवर देम, है ना। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसके, अगर आप जनरल वे में देखोगे ना, तो आप देखोगे कि ये थिन मेम्ब्रेन के जैसा पड़ा हुआ रहता है। कहीं भी अगर एपिथेलियल होगा ना, तो थिन मेम्ब्रेन के जैसा, एक्चुअली में ये मेम्ब्रेनस टाइप का बिहेवियर होता है। इसका पर्पस ही होता है कवरिंग करने का। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया। अब जैसे देखो, एपिथेलियल टिश्यू का अगर टाइप देखिएगा तो आपको मिलेगा स्क्वामोशल, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड, इस टाइप का। तो देखिए, स्क्वामोशल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये काफ़ी थिन होता है, बहुत ही थिन। मैं आगे इसके बारे में बताऊँगा, मैं फिर सिर्फ और फिगर दिखा रहा हूँ, मैं पहले वही बता देता हूँ आपको। जैसे देखिए, यहाँ पे बताया गया है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को, है ना, सिंपल स्क्वामोशल एपिथेलियल टिश्यू को। ओके, तो सिंपल स्क्वामोशल एपिथेलियल टिश्यू को अगर आप देखिएगा तो देखिए ये क्या होता है, डेलिकेट सेल लाइनिंग, पोजेसेस फ्लैट और थिन स्ट्रक्चर, है ना। देखिए, ये हाईली फ्लैट और थिन स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अगर आप देखोगे ना एपिथेलियल टिश्यू को, तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। देखो, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है, सिंगल लेयर्ड होता है, जबकि ये आपको मिलेगा मल्टी लेयर्ड, ये आपको मिलेगा मल्टी लेयर्ड। तो ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। तो देखिए, स्क्वामोशल क्या है, बहुत ही फाइन है, बहुत ही थिन है, बेडशीट के जैसा पड़ा हुआ रहता है ऑलमोस्ट। अच्छा, जितने भी एपिथेलियल टिश्यू आपको मिलेंगे ना, उसमें देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन सारे टिश्यू में। देखिए, इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें भी देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये न्यूक्लियस है इसका। ओके, तो वही ये देखिए,
है ना, पॉसेसेस फ्लैट थिन स्ट्रक्चर और कहाँ पाया जाता है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एकदम बीवीआई रहेगा ये आपके लिए कि ये एपिथेलियल टिश्यू पाया कहाँ जाता है, कौन सा स्क्वामोसल एपिथेलियल टिश्यू। देखिए स्क्वामोसल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है एल्वियोली में, बोमेंस कैप्सूल जो किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर है, और नेफ्रॉन में पाया जाता है। वहीं पर फिर आ गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोसल एपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोसल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसमें आपको लेयरिंग मिलेगा, बहुत सारा लेयर मिलेगा आपको। जैसे आगे इसका फिगर मैं बता रहा हूँ इसको, जैसे आप देखोगे ना इस टाइप का ऐसे ऐसे लेयर मिलेगा, लगेगा कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है, मतलब आपको लगेगा कि बहुत सारे अलग अलग लेंथ के सेल्स जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं। और ये जो आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो जरूर से ज़रूर मिलेगा, तो यही है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो स्किन में पाया जाता है बेसिकली। देखिए कहाँ पाया जाता है, स्किन में, और ये सेवरल लेयर्ड होता है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें कॉलुमनर, नाम से पता चल रहा है कॉलुम लाइक सेल्स होता है, इस तरह से पिलर के जैसा सेल होता है, देखिए कॉलुमनर है ना, पिलर के जैसा सेल होता है। और इसमें माइक्रोविलाई पाया जाता है जो इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ये माइक्रोविलाई है जो उसके सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, पिलर लाइक सेल होता है ये, देखिए वही है। और ये पाया कहाँ जाता है, इंटेस्टिनल रीजन में। उसी तरह से देखिए सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू हो गया, जिसमें सिलिया मिलेगा आपको, देखिए ये है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, सिलिया मिलेगा। ये सिलिया जो होता है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ओके। और माइक्रोविली जो था वो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। वही ये देखिए सिलिया प्रेजेंट इन देम। और ये कहाँ पाया जाता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रैकिया वगैरह में पाया जाता है ये, ओके। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्पेशली ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, तो ये सब जोन में पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट आ गया क्यूबॉइडल, तो सेल कैसा मिलेगा, क्यूब के जैसा। देखो ये क्यूबॉइडल चौला चौला सेल मिलेगा क्यूब के जैसा, और नीचे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपका, है ना। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो होगा वो भी देखिए एब्जॉर्प्टिव पर्पस के लिए होता है और सेक्रेशन पर्पस के लिए होता है ना। मैंने बताया ना मोस्टली मोस्ट ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ना वो एब्जॉर्प्टिव और सेक्रेशन पर्पस के लिए होते हैं। सेक्रेशन होगा तो कहीं ना कहीं ग्लैंड होगा इसके अंदर, तो पाया कहाँ जाता है, देखिए किडनी के ट्यूबल्स में पाया जाता है। उसी तरह से देखिए आ गया ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ये स्पेशल टाइप का एपिथेलियल टिश्यू होता है जिसमें ग्लैंड्स अवेलेबल होते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, सेक्रीशन, सेक्रीशन पर्पस के लिए होता है। जैसे एग्जांपल देखिए दिया हुआ है स्वेट ग्लैंड, पसीने की जो ग्रंथि होती है हमारी, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अब आगे मैं फिगर बता रहा हूँ आपको, जैसे देखिए ये हो गया आपको सूडो स्ट्रेटिफाइड, जिसके बारे में मैंने बताया कि लेयर बाय लेयर मिलेगा। उसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप का टिश्यू का मैंने बताया है, जैसे एक होता है वही अभी मैंने जो बताया था ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। देखो इसमें जो सेल पाया जाता है ना जिसमें ग्लैंड्स अवेलेबल होते हैं उसको बोलते हैं गॉबलेट सेल। ये क्या है, ग्लैंड कंटेनिंग सेल्स है, ये ग्लैंड कंटेनिंग सेल है जिसमें ग्लैंड पाया जाता है, यूनिसेलुलर ग्लैंड, इसको हम लोग बोलते हैं गॉबलेट सेल। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू में पाया जाता है, और ये मॉडिफाइड फॉर्म हो सकता है कि वाइडल का भी या कॉलुमनर का भी, दोनों में से किसी का भी मॉडिफाइड फॉर्म हो सकता है। उसी तरह से मैंने बताया जर्मिनल, ये स्पेशली क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का मॉडिफिकेशन है जर्मिनल। ये आपको हेल्प करता है किसमें, तो जर्मिनल मतलब क्या, ये गैमेट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ गैमेट, है ना, ये गैमेट बनाता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट इसका फॉर्मेशन करता है, यही है जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। फिर आ गया आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, देखिए ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना ये अपना शेप बदल सकता है, शेप चेंज कर सकता है, ये है ना, इसमें स्ट्रेचिंग हो सकता है। जैसे स्पेशली यूरिनरी ब्लाडर जो आपका है, यूरिनरी ब्लाडर जो है, यूरिनरी ब्लाडर में ये पाया जाता है ना, ये यूटेरस में पाया जाता है, फीमेल के यूटेरस में पाया जाता है ना। जब एक बेबी जब यूटेरस में डेवलप करता है तो ये क्या करता है, यूटेरस के साइज़ को बढ़ा देता है। यूरिनरी ब्लाडर जब यूरिन जमा होता है आपके यूरिनरी ब्लाडर में तो उसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाता है, तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू वहीं पाया जाता है। एक और मैंने बता दिया है न्यूरो एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें न्यूरो सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं, सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं इसमें, इसी को बोलते हैं न्यूरो एपिथेलियल। जैसे आपने नाम सुना होगा ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम, ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम जो होता है वो आपके नेजल सिस्टम में पाया जाता है, जिसकी वजह से आप
कोई भी स्मेल वगैरह जो होता है ना उसका डिटेक्शन आप करते हो ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियल। ओके तो ये आप समझ गए होंगे वेरियस टाइप का एपिथेलियल टिश्यू। अब हम लोग बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू का। देखो नाम से पता चल रहा है ये वैसा टिश्यू है जो कनेक्शन में हेल्प करता है ना, मूवमेंट होता है इसमें। देखिए ये लूजली बाउंडेड सेल का बना हुआ होता है और इसके इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में मैट्रिक्स पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यूज के इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में मैट्रिक्स अवेलेबल होंगे और मैट्रिक्स जो होता है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, डेंस भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है, फ्लूइड के जैसा हो सकता है, जेली के जैसा हो सकता है। ओके और फंक्शन और नेचर के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जैसे ब्लड हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये सब इसी से बिलोंग करता है। तो आज की इस वीडियो में एटलीस्ट हम लोग ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्लड के बारे में। देखिए ब्लड क्या है, ब्लड एक्चुअली में क्या है, एक फ्लूइड टिश्यू है और ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके तो आप देखोगे कि मेन फंक्शन मैंने यहाँ पहले बता दिया है ब्लड के बारे में कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस करता है, फूड करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन, इसका काम करता है। अगर ब्लड के फ्लूइड में आप देखोगे तो आपको मिलेगा प्लाज्मा और साथ में मिलेगा उसमें ब्लड प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब मिलेगा। आगे मैं इसका कंपोजिशन बता रहा हूँ। स्पेशली आरबीसी को आप देखिएगा तो इसमें हेमोग्लोबिन मिलेगा जो ऑक्सीजन कैरी करता है और डब्ल्यूबीसी का मेन पर्पस क्या होता है, इम्यूनाइजेशन। और प्लेटलेट्स जो आप देखोगे तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, क्लॉटिंग, है ना। तो हम लोग पहले कंपोजिशन देख लेते हैं इसका। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ ब्लड मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ब्लड का पीएच लेवल 7.4 होता है, मतलब ये ना तो हाईली एसिडिक होता है ना तो हाईली बेसिक होता है। ओके और इसके कंपोजिशन को देखते हैं तो थ्री मेजर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एक कॉर्पसल्स हो गया, प्लेटलेट्स हो गया और प्लाज्मा हो गया। तीन मेजर कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, कॉर्पसल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। कॉर्पसल्स को अगर आप देखिएगा तो दो टाइप के कॉर्पसल्स मिलेंगे, एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट। वहीं पे प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट, इसको हम लोग बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट। अब ल्यूकोसाइट को स्पेशली आप देखोगे तो आपको दो पार्ट में बांट सकते हो, होता है ग्रैनुलोसाइट जिसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रैनुल्स मतलब दाना के जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, और एक होगा ए ग्रैनुलोसाइट जिसमें नो प्रेजेंट, नॉट ग्रैनुल्स, इसमें ग्रैनुल्स नहीं मिलेंगे आपको। ओके अगर आप ग्रैनुलोसाइट को बांटोगे तो फिर आप बांट सकते हो न्यूट्रोफिल में, इसनोफिल में, बेसोफिल में, और ए ग्रैनुलोसाइट को मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में, है ना। तो ये मैंने एक बेसिक डिफरेंसेस कर दिया, इसी का डिटेलिंग मैं आगे करने जा रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में, है ना। तो देखिए प्लाज्मा क्या होता है, एक फ्लूइड मैटर होता है जिसमें वाटर का अमाउंट 90 to 92% हो सकता है। इसमें प्रोटीन मैटर अवेलेबल होता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये सब बेसिक प्रोटीन है जिसमें ये मोस्ट एबंडेंट है, ये है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन जो ब्लड में पाया जाता है आपके प्लाज्मा में। ओके और इसका मेन पर्पस होता है ऑस्मोरेगुलेशन, इसका मेन पर्पस क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन करता है, ये वाटर और मिनरल्स का बैलेंसिंग करता है, यही मेन काम है। वहीं पे ग्लोबुलिन अगर आप देखोगे तो इसका मेन पर्पस जो है वो इम्यूनाइजेशन है, ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है, आपके बॉडी का प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है ग्लोबुलिन। ओके और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन को अगर आप देखिएगा तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, किसमें हेल्प करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में, जब आपका आपकी इंज्यूरी होती है तो आपका ब्लड को क्लॉट करवा देता है। ओके कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं जैसे सोडियम आयन हो गया, पोटासियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स जो होंगे वो ब्लड में अवेलेबल होते हैं प्लाज्मा में, और नाइट्रोजनस वेस्ट में जैसे यूरिया हो गया, है ना, अमोनियम आयन्स हो सकता है थोड़ा बहुत। ओके ये सब पाया जाएगा। ग्लूकोज, ब्लड के अंदर जो शुगर पाया जाता है उसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, जो प्लाज्मा के अंदर ही डिजॉल्व आता है, और कुछ हॉर्मोन्स वगैरह भी पाया जाता है, फूड मटेरियल्स पाया जाता है, फूड मैटर्स भी पाया जा सकता है आपके ब्लड के प्लाज्मा में। तो ब्लड का प्लाज्मा का पर्पस क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ऑस्मोरेगुलेशन करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यही सब पर्पस होता है इसका। ओके
आगे बढ़ जाए हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं आरबीसी का, एरिथ्रोसाइट जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, साइज मैंने बता दिया है लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। और क्या भाई, तो इसका नंबर कितना होता है, 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक। जनरली ये फीमेल्स में होता है, 4.5 मिलियन फीमेल्स में होता है और ये मेल का काउंट है। ओके, और क्या भाई, तो ये रेड किसकी वजह से होता है, रेड होता है तो रेड किसकी वजह से होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से, जिसमें कि आयरन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन को अगर आप देखिएगा तो लगभग 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन पाया जाता है पर 100 ml ब्लड में। लाइफ स्पैन मैंने बता दिया है लगभग 120 डेज होता है हेमोग्लोबिन का, जो हेमोग्लोबिन नहीं एरिथ्रोसाइट का, मतलब आरबीसी का लाइफ स्पैन लगभग 4 मंथ होता है। और डेड आरबीसी जो होता है वो आपको स्प्लीन में कवर होता है ना, तो इसीलिए उस आरबीसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सॉरी स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का ग्रेवियार्ड बोला जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात की है कि नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, किसमें, कॉमनली मैमल में, लेकिन एक्सेप्शन है भैया इसका। एक्सेप्शन आपका क्या है, तो कैमल में जैसे ये न्यूक्लिएटेड होता है ना, कैमल में ये क्या होता है, न्यूक्लिएटेड होता है ये। ओके, तो एरिथ्रोसाइट के बारे में आप समझ गए होंगे। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, मेन रूप से ये क्या करता है, तो कैरी ऑक्सीजन है ना, क्योंकि ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है ये हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर के, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, मेन यही काम है इसका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ल्यूकोसाइट का, WBC का, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। संख्या इसका होता है 6000 से 8000 पर mm³ ब्लड में। और देखिए मैंने बताया ना दो टाइप का, ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट, इसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट होता है, जैसे मान लो ये सेल है तो इसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट होगा दाना दाना जैसा, ये सेल है तो इसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट नहीं होगा। और दोनों न्यूक्लिएटेड होता है ना, लोबुलर न्यूक्लियस पाया जाता है, लोबुलर न्यूक्लियस अवेलेबल होता है इसमें। ओके, दोनों में न्यूक्लियस अवेलेबल है। अब देखो ग्रैनुलोसाइट को हमने बांटा है न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल में। देखो न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक होता है, फैगोसाइटिक कहने का मतलब आप समझते होंगे, मतलब ये क्या करता है, ये सीधे सीधे इनगल्फ कर जाता है फॉरेन पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया को। इसिनोफिल और बेसोफिल दोनों मिल करके करता है एलर्जिक एक्शन को कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है एलर्जिक एक्शन को, है ना। इसको हम लोग असल में इसको हम लोग एसिडोफिल बोलते हैं और इसको बेसोफिल बोलते हैं। तो बेसोफिल का और भी कुछ अलग काम है, जैसे ये क्या करता है भाई, तो हिस्टामिन का प्रोडक्शन करवाता है, हेपेरिन का प्रोडक्शन करवाता है, सेरोटोनिन का प्रोडक्शन करवाता है, ये सब के प्रोडक्शन में भी इसका रोल है बेसोफिल का। ओके, अगर हम लोग ए ग्रैनुलोसाइट में आ जाए तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, तो मोनोसाइट जो आप देख रहे हो ये फैगोसाइटिक होता है, मोनोसाइट क्या होता है, फैगोसाइटिक होता है। ओके, और लिम्फोसाइट जो होता है एंजाइमेटिक होता है, बेसिकली ये एंटीबॉडी वगैरह बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। तो ओवरऑल फंक्शन आप देख रहे होंगे ल्यूकोसाइट का, कि ल्यूकोसाइट का ओवरऑल फंक्शन ये है कि इम्यूनिटी में हेल्प करता है, इम्यूनाइजेशन में हेल्प करता है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड प्लेटलेट्स का। देखिए ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट। तो ये भी देखिए नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, एक्चुअली में ये सेलुलर फ्रैगमेंट है, सेल का फ्रैगमेंट है। किस सेल का, तो देखिए मेगा कैरियोसाइट, मेगा मतलब क्या होता है लार्ज, कैरियोसाइट का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस वाला, लार्ज न्यूक्लियस वाला सेल पाया जाता है बोन मैरो में, और यही टूट करके बनाता है ब्लड प्लेटलेट्स, जिसका साइज लगभग 2 से 3 माइक्रोमीटर तक हो सकता है और इसकी संख्या काफ़ी अच्छी होती है। देख रहे हैं 1,50,000 से लेकर के 3,50,000 हो सकता है पर mm³ ब्लड में। और इसका मेन पर्पस क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, मेन रूप से ये ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है आपको। तो ये हमारा हो गया ब्लड प्लेटलेट्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं लिम्फ के बारे में। तो देखिए लिम्फ जो होता है उसका क्या है भाई, तो देखिए लिम्फ क्या है, एक कलरलेस फ्लूइड है ना। इसमें मेन रूप से पाया जाता है लिम्फोसाइट, देखिए लिम्फ कलरलेस फ्लूइड कैरी WBC है ना, WBC पाया जाता है और लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर मिलता है आपको। और क्या, इट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ ब्लड प्रोटीन, आपको ब्लड के कंपेयर में, जैसे ब्लड में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, जबकि इसमें प्रोटीन का अमाउंट कंपेरेटिवली कम मिलेगा।
और ग्लूकोज ज़्यादा मिलेगा इसमें आपको, प्रोटीन कम मिलेगा, ग्लूकोज ज़्यादा मिलेगा, ओके। और ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, आपका ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है डबल डायरेक्शन में, एक्चुअली में हार्ट के थ्रू हार्ट में जाता भी है और हार्ट से आता भी है, लेकिन इसका जो है टुवार्ड्स द हार्ट ओनली, टुवार्ड्स हार्ट ओनली, है ना। एक्चुअली में इसमें जो मोनोसाइट होता है ना, मोनोसाइट जो होता है ना, ये स्विजिंग करता है, क्या करता है, ये स्विजिंग करता है ब्लड वेसल से, ये बाहर भी निकल सकता है और अंदर भी जा सकता है, इसको डाइपेडेसिस बोलते हैं, इसके लिए एक टर्म है डाइपेडेसिस। इस प्रॉपर्टी को, मोनोसाइट का स्विजिंग आउट करना ब्लड वेसल से और फिर वापस ब्लड वेसल्स में चला जाना, इसको बोलते हैं डाइपेडेसिस, ओके। आगे है क्या इसका कंस्टिट्यूएंट, देखिए क्या होता है, लिम्फ प्लाज्मा, मेन रूप से इन्फेक्शन और फाइट, मतलब मेन रूप से ये क्या करता है कि इम्यूनाइजेशन में हेल्प करता है, ओके। और इसमें मेन रूप से क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी का मेन पर्पस ये है, इम्यूनाइजेशन। आगे इसका मैंने फंक्शन बता दिया है कि ये क्या करता है, तो ऑक्सीजन, मिनरल्स, ये सबको कैरी करता है और बैक भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये सबको, मतलब मेन रूप से कैरी करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब का कैरी करता है डिजॉल्व स्टेट में, है ना, वेस्ट मटेरियल्स का स्पेशली, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट का, N2 वेस्ट का जो स्पेशली ये कैरी करता है ब्लड में, ओके। और क्या, बॉडी के सेल को मॉइस्ट रखता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड को मेंटेन करता है, मैंने अभी बताया ना कि जब चाहे तो ये ब्लड वेसल्स में मिल जाता है, फिर ब्लड वेसल से बाहर भी आ जाता है, तो ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है और हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब को बॉडी से निकालने में हेल्प करता है ना। और ये देखो फैट के एब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा रोल है इसका, जो लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं ना, वो इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पे पाए जाते हैं, उसको लैक्टिल्स बोलते हैं हम लोग, लैक्टिल्स, है ना। तो ये कहीं ना कहीं फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया ब्लड और लिम्फेटिक टिश्यू। अब इसके बाद का जो अगला वीडियो हमारा होगा वो मैं आपको बता दूंगा कुछ और भी एनिमल टिश्यूज के बारे में जो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बिलोंग करते हैं, जैसे एरियोलर हो गया, फिर हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर लेंगे, ओके। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारा टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, आपको ये सारा टॉपिक रिवाइज करना है और रिवाइज करके उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और हमको बताइए, आपकी समस्या को हम लोग ज़रूर दूर करेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस चैनल को और बताइए लोगों को इस चैनल के बारे में, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पर बने रहने के लिए, थैंक यू।